हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मौर्य एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं किसके लिए, क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ट्रिक्स को देखा नहीं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको नए नए ट्रिक्स मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज क्यूब रूट में हम क्या देखेंगे कि कुछ नंबर्स लिखे हैं और उसका क्यूब लिखा है, लास्ट डिजिट लिखा है। ठीक है, तो 1 to 10 तक हमने नंबर लिखा है और उसका क्यूब कितना होता है, क्यूब लिखा हुआ है। अब क्यूब लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि क्यूब जो निकाला गया है उसको यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ रही है, उसको हमने लास्ट डिजिट करके लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो 1, 4, 5, 6 और 9, 10 इसमें क्या हो रहा है कि जो नंबर का हम क्यूब किए हैं उसमें लास्ट डिजिट पे वैल्यू भी वही आ रही है। मतलब 4 अगर हमको क्या दिया है, किसी नंबर का हमने क्यूब निकाला है और उसका क्यूब क्या है, मान लीजिए 24 है, तो जो क्यूब आएगा उसमें भी क्या रहेगा, यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। ठीक, आगे हमको बचे 4 नंबर, तो 4 नंबर को हम कैसे लर्न करेंगे। देखिए, 2 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 आने वाला है, और यूनिट प्लेस पे 8 है तो उसका यूनिट प्लेस पर 2 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। ठीक है, और दूसरा बचा हमारा 3 और 7। 3 में क्या आता है, लास्ट डिजिट 7 आएगा, 7 में 3 आएगा। तो इस तरह से आप ये 4 चीजों को लर्न कर लेंगे तो आपको 1 से 10 तक का क्यूब क्लियर हो गया। और आगे आपको सॉल्व करने के लिए आपको 2 डिजिट 3 डिजिट जितने का भी बोला जाए, आप एकदम इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये कितना है, जैसे हमको कुछ यहाँ क्यूब दिया हुआ है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 लिख दिया। अब इसको हमने एक लाइन बना दिया, 3 डिजिट छोड़ देंगे इधर, हम क्या करेंगे 3 डिजिट छोड़ देंगे। यहाँ 15 है, 15 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो इसमें 2 और 3 उसका नंबर है, तो बड़ा क्या है इसमें 3 और छोटा क्या है 2, तो हम छोटे वाले को लिख देंगे। 25 का क्यूब क्या होएगा, 15625। अब यहाँ पर चलते हैं, 3 किसमें आने वाला है, 3 आएगा डिजिट प्लेस पे जिसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या रहेगी, 7 रहेगी। ठीक है, तो हमने 7 को लिख दिया। अब 3 डिजिट छोड़ा, 50 किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में हमने 3 लिख दिया, 37 का क्यूब हो गया ये। यहाँ पर 4 के ही इसमें आएगा, हमने 3 डिजिट छोड़ दिया, 262 आएगा हमारा 6 और 7 के बीच में, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है बच्चों, देखिए कितने इजी तरीके से आप इसको, आप सोचते ही रह जा रहे हैं और आपका क्यूब रूट सामने सामने दिख जा रहा है। यहाँ पर 8 दिया है, 8 किस में आने वाला है, जो यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। ठीक है, आप 2 डिजिट यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ दीजिए, क्या बचा आपको, 373 आएगा, 343 और 512 के बीच में, 7 और 8 यहाँ नंबर आ रहा है, तो छोटा नंबर क्या है 7, तो 72 का क्यूब हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं 6 किस में आने वाला है, लास्ट डिजिट 6, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। आगे हम चलते हैं, 3 डिजिट छोड़ा, 884 दिया है, 884 किस में आएगा, 9 और 10 के बीच में पड़ रहा है, 729 और 1000 के बीच में, हमने यहाँ 9 लिख दिया, 96 का क्यूब हो गया। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर भी 5 है, मतलब यूनिट प्लेस पर 5 आएगा, 3 डिजिट छोड़ दिया हमने, 857 भी आएगा 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 में हमारा छोटा क्या है 9 है, तो 95 का क्यूब हो गया आपका, ये वैल्यू हो गई। तो बच्चों, हमारा ट्रिक कैसा लगा, इसको आप देखिए, समझिए और इसको इंजॉय कीजिए। विद इन अ सेकेंड आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्त में, अपने फैमिली में शेयर करना मत भूलिए। और जो स्टूडेंट नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।